कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल राणा एजुकेशन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं UGC NTA NET JRF टूरिज्म बैच 2 जिसकी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं 14th of November 2022। जी हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट मंडे से हम ये क्लासेस को शुरू करने वाले हैं गाइस। राणा एजुकेशन का जो फर्स्ट बैच था नेट JRF नेट टूरिज्म का, वो हमने मार्च 22 में कंडक्ट किया था। वो 60-70 डेज की क्लासेस हमने कंडक्ट की थी। उसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। राणा एजुकेशन के 4 स्टूडेंट्स का इस बार उन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया है, जिसमें से एक स्टूडेंट ने JRF क्वालिफाई किया है और 3 स्टूडेंट्स ने हमारे नेट क्वालिफाई किया है गाइस। तो जिस स्टूडेंट ने JRF क्वालिफाई किया है उनका नाम है मिस्टर सूर्य गांगुली। उनके साथ भी हमने एक इंटरव्यू किया है, उसका क्लिप मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो वेलकम मिस्टर सूर्य गांगुली एंड वेलकम टू राणा एजुकेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इट्स माय प्लेजर सर, आपने मुझे इनवाइट किया, यही बहुत बड़ी ऑनर है मेरे लिए। चलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपने JRF इन टूरिज्म क्रैक किया है और वो विद 186 मार्क्स। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसा लगता है JRF क्वालिफाई करने के बाद। JRF क्वालिफाई करने का अलग ही फीलिंग होता है जी। मतलब JRF आप हाईएस्ट लेवल पे फाइट कर सबके साथ जी, मतलब जी। दूसरे जो एग्जाम्स हम लोग देते हैं उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई क्लास 10 पास, सब तरीके रहते हैं। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पे आप फाइट करते हो तो आपके लेवल पे सभी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे कोई भी एग्जाम, मैं इस एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, मतलब कोई भी एग्जाम हम लोग पार करते हैं तो सबके लिए अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए अपनी JRF की जर्नी एंड राणा एजुकेशन से आप कैसे जुड़े। सर एक्चुअली JRF का जर्नी अगर बोला जाए, मेरी दीदी ने बताया था इसके बारे में, नेट के बारे में। दीदी ने आपका MSc कर चुकी है दीदी, okay. उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि तुम अपनी PhD डिग्री को पालो। अभी तो टूरिज्म सेक्टर में उतना काम नहीं है, इस टाइम में तुम अपना टाइम यूज करो और PhD डिग्री कर लो। तो इसके लिए मैंने नेट के लिए, टूरिज्म के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जरूरत होता है कि बेसिक चीजें हम लोग जान लें कि सिलेबस में है क्या क्या है। इसके लिए मैंने काफी किताब देखे, पर मैं कोई किताब के बारे में कंप्लेन करना नहीं चाहता, पर उसमें कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं है सर। आपको पता है ना कि 2018 में जो सिलेबस था वो बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया गया UGC नेट का था। तो उनपे ये भी लिखते हैं कि अपडेटेड सिलेबस है, जो कि सबसे बुरी बात है। यस सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक सेकंड के लिए तो लगता है कि क्या मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद बुक में जो है वही एग्जाम में आएगा, ये सिलेबस कुछ मायने नहीं रखता। और बाद में आपको समझ में आता है कि ये पुराना सिलेबस है। और वहां पर सर आपका एजुकेशनल ऐप बहुत काम में आता, क्योंकि पहली बात है दैट इज चैप्टर वाइज, दैट इज यूनिट वाइज, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो आपका एक कोई भी एग्जाम के लिए बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। और वो बेस आपका बना देता है। और बाकी सर जो बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे कुछ बात करते हैं तो उसमें भी आप रिप्लाई देते हैं, कॉल पे भी आप गाइडेंस करते हैं, तो वो सब आपके लिए मतलब रोजाना की बात होगी, पर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को पता है कि ये टीचर हमारे जो है उन्होंने कर चुके हैं, मतलब वो उस रास्ते पे चल चुके हैं, अब मुझे उसी रास्ते पे चलना है। तो जब आपसे बात करते गाइडेंस मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। चलिए और थोड़ा कंटेंट कैसा था हमारा जो कोर्स था जो आपने ज्वाइन किया था, उसका कंटेंट कैसा था और उसके मॉक टेस्ट वगैरह कैसे थे, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर जैसे मैंने बोला यूनिट वाइज है, तो यूनिट वाइज सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि सर पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं पर खुद को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने कितना पढ़ा। तो यूनिट वाइज MCQ वहां पर काम आ गए। और लास्ट के तरफ जो है ना सर, मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई रोक देनी चाहिए। आप जितने भी PYQs प्रेजेंट करते हैं 2012 से लेके जितने भी PYQs है ना, उन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है हर एक एग्जाम में। वही आपके 40 क्वेश्चन इसी होते हैं, 20 मीडियम और 40 मतलब
टच करना काफी हार्ड हो जाता है। वही एक पैटर्न जो है आप जो PYQs प्रेजेंट करते हैं वो प्रैक्टिस करके पता चलता है उसके बारे में। चलिए सूर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए अगर मैसेज देना चाहूंगा मैं सर यही कि सबसे पहले तो आप अपना बेस क्लियर कीजिए जी। और इसके लिए ऐसे में आप लोग चाहे तो बुक खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर उसमें सब आपको पुराना सिलेबस मिलेगा। आपको मार्केट में ऐसा कोई किताब नहीं मिलेगा जो आपको न्यू सिलेबस में देगा, तो उसको लेकर आप ज्यादा टेंशन में मत लीजिए। आप चाहे तो नेट से भी देख सकते हैं पर उसमें भी आपको काफी टाइम लग जाएगा। और बाकी एग्जाम के एंड में जैसे मैंने कहा कि अपना पूरा फोकस PYQ पे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न जो है और क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हैं, तो उसमें ऑल द बेस्ट सबको और बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय सर। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं जो सेकंड बैच हमारा शुरू होना है वो शुरू हो रहा है 14 नवंबर 2022। जी हाँ, मंडे से हम सेकंड बैच शुरू करने वाले हैं और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है। उसका टाइम टेबल उसमें डिस्कस किया गया है, वो कोर्सेज कहाँ मिलेगा, वो क्लासेस कहाँ पे होंगी, सब कुछ बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सी यू ऑल ऑन मंडे इन क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।